फटे सरकार हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की खिदमत में। एक साहबी आया जिसका नाम अबू हारून है, कई मरतबा इमाम की खिदमत में आया करता था। अब जब पहुंचा तो इमाम ने सवाल किया, कहा अबू हारून बहुत दिन हो गए, तुमने अभी अपना जलवा दिखाया, बहुत अरसा हो गया तुम्हारी ज़ियारत नहीं हो रही थी, कहां थे तुम? क्या लगे फर्जंद रसूल मेरे यहां बेटे की विलादत हुई। क्या माशाल्लाह, ये बताओ अपने बेटे का नाम क्या रखा? इसका मतलब ये हुआ कि नाम की अहमियत है। क्या इमाम सवाल कर रहे हैं, तुमने अपने बेटे का नाम क्या रखा? और कुछ नहीं पूछा, ये पूछा कि नाम क्या रखा? कहा कि मैंने अपने बेटे का नाम मोहम्मद रखा। जैसे ही नाम मोहम्मद को सुनना था, इमाम का तरीका इमाम की सुन्नत है, जैसे ही नाम मोहम्मद को सुना अपना सर जमीन की तरफ झुकाते हुए कहने लगे मोहम्मद मोहम्मद मोहम्मद। सजदे तक नहीं गए लेकिन अपना सर झुकाते हुए एहतराम के साथ कहने लगे मोहम्मद मोहम्मद मोहम्मद। अब समझ में आया दो रवैये हैं, दो इस्लाम हैं। एक वो इस्लाम है जहां नाम मोहम्मद का इतना एहतराम है, ज्यादा मोहम्मद की बात नहीं हो रही, सिर्फ नाम मोहम्मद का इतना एहतराम है कि नाम आता था तो अपना सर झुका देते थे। और एक वो इस्लाम है कि खुद ज़ात मोहम्मद कलम और दवात मांगता था तो कहते थे हिजियान कह रहा। अब तुम्हारी मर्जी है कि तुम किस इस्लाम को मानने वाले हो। एक इस्लाम वो है जिसमें नबी अकरम के नाम का इतना एहतराम है। रबी अव्वल के महीने का आगाज हो रहा है, जरा सुने तो सही कि हम नबी अकरम को क्या मानते हैं। मासूमी ने क्या बयान किया है कि नबी अकरम की ज़ात गिरामी क्या गिरा, नबी अकरम की शान क्या है। और फिर एक रिवायत का जुमला यह है, खुद नबी अकरम भी इशारा फरमाते हैं, ये रिवायत सिलसिला होते होते नबी अकरम की ज़ात गिरामी तक पहुंचा। फरमाया कि अगर किसी की यहां पर परवरदिगार आलम ने चार बेटे दिए हो और वो अपने किसी भी बेटे का नाम मोहम्मद ना रखे, फकत जफानी, उसने मुझ पर जुल्म किया। एक बेटे का नाम भी मोहम्मद नहीं रखा, इतनी अहमियत कहां मिले, नाम मोहम्मद रखो। रिवायत के जुमले एक और सुनिएगा, कयामत का मैदान होगा, किसी गुनहगार को लाया जाएगा, खुदा की तरफ से आवाज आएगी, ये बता तेरा नाम क्या है, कहेगा मेरा नाम मोहम्मद है। कौन कहेगा? गुनहगार कहेगा, मासियत करने वाला कहेगा, खुदा का ना फरमान कहेगा, नाम मेरा मोहम्मद है। खुदा की तरफ से आवाज आई कि तुझे शर्म नहीं आई, तूने मेरे हबीब के नाम पर अपना नाम मोहम्मद रखा और फिर मेरी नाफरमानी की, तो कैसा मोहम्मद है जो मेरी नाफरमानी करता है। और फिर रिवायत का आखिर में बुलाई है, आवाज आएगी, लेकिन चूंकि तेरा नाम मोहम्मद है इसलिए मुझे शर्म आती है कि मैं अपने हबीब के हम नाम को जहन्नम में भेजूं, जा मैंने तुझे जन्नत में दाखिल कर दिया। दुरूद पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर।